जिन्होंने सुख समृद्धि भोग विलासिता ऐश्वर्य के सारे खजाने छोड़ दिए, सारे नजारे छोड़ दिए और संसार के वो सारे नजराने छोड़ दिए, उनको अब हम कौन सी चाबी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज, बात तेरा पंथ धर्म संघ की। और जैसा कि आपको मालूम है कि तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम आचार्य आचार्य श्री महाशर्मन जी राजस्थान की यात्रा में और भीलवाड़ा जहां पर उनका चातुर्मास है, उस सफर में अब उनका पड़ाव स्वाभिमान त्याग और बलिदान की धरती चित्तौड़गढ़, वो भूमि जिसकी माटी जिसकी राज्य माथे पर तिलक के रूप में लगाई जाती है, वो भूमि जो स्वाभिमान का संदेश देती है, जो पराक्रम शूर वीरता और संकल्प की बात करती है, उस भूमि में आचार्य श्री महाशर्मन जी के पदार्पण पर कुछ खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से आई, प्रिंट मीडिया में भी सुना पढ़ा कि एक चाबी 1 किलो 940 ग्राम की, और वो चाबी है, पहले तो सोशल मीडिया में मैसेज था सोने की, उसके बाद फिर मैसेज आया कि ये चांदी माफ कीजिएगा ये चाबी लकड़ी और गिलगिट की बनी हुई है, बात धातु की नहीं है, ये लोहे की हो ये तांबे की हो ये सोने की हो ये चांदी की हो, बात इस बात की है कि जिस परंपरा में आचार्य श्री महाशर्मन जी और उनके पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं, जिस परंपरा में उनका काफिला चल रहा है, उस परंपरा में उन्हें चाबी दी नहीं जा सकती। अगर किसी को आत्मकल्याण का ताला खोलना है तो उनसे चाबी ली जा सकती है, लेकिन श्रावकों की श्रद्धा की बात है और यह श्रद्धा ऐसे मोड़ पर जहां पर दिल की गहराइयां कितनी हैं, या फिर दिखावटी माहौल कितना है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए हर व्यक्ति की श्रद्धा का सम्मान है, हम उनकी श्रद्धा का निश्चित रूप से सम्मान करते हैं जो इस धर्म संघ की परिपाटी से परिचित नहीं है, और नगर प्रमुख होने के नाते जिन्होंने अपना दायित्व वहन किया है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी कि अगर आध्यात्मिक पथिक जैन परंपरा के संत आचार्य उनके नगर में आ रहे हैं तो एक स्वागत अभिनंदन होना चाहिए, और उन्होंने अपनी भावना अभिव्यक्त की, लेकिन तेरा पंथ धर्म संघ के जो विद्वान श्रावक हैं उन्हें निश्चित रूप से यह जानकारी होनी चाहिए कि जैन परंपरा और विशेषकर तेरा पंथ धर्म संघ की परंपरा में भी साधु संत आचार्य के निमित्त इस तरह कोई वस्तु बना करके उन्हें प्रदान करना ये मर्यादा संगत नहीं है। फिर भी मैं उनकी श्रद्धा पर भी सवाल नहीं करूंगा। खुशी इस बात की हुई जो चित्र हमने देखे प्रिंट मीडिया में कि आचार्य श्री महाशर्मन जी ने उस चाबी को स्पर्श नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया, यानी उन्होंने अपनी मर्यादा बिल्कुल रखी, ये निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा अभिनंदन है कि संत को आचार्य को
अपनी मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर यह विषय उनके संज्ञान में लाया गया होता तो शायद वो पहले से ही मना कर देते, ताकि इतना जो किया गया उसमें वो एनर्जी नहीं लगती और कोई ऐसा सकारात्मक कदम होता कि जिस भूमि में आचार्य श्री का पदार्पण हुआ है वो भूमि महाराणा प्रताप के उस पराक्रम से जुड़ी है, स्वाभिमान से जुड़ी है, भामा शाह के त्याग से जुड़ी है, पन्ना धाई के बलिदान से जुड़ी है। उस भूमि में कहीं त्याग बलिदान और स्वाभिमान की बात अगर गुंजित होती, कुरुतियों का बलिदान होता और समृद्धि का सत कार्यों में दान होता और स्वाभिमान की ललक भी होती कि आज जैन समाज में अनोप मंडल के माध्यम से जैन और सनातन संस्कृति पर जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से एक माहौल बना है, विषाक्त माहौल, नफरत का माहौल, उस माहौल को मिटाने की बात होती, वो चाहे वैचारिक विमर्श के द्वारा हो, वो चाहे वैधानिक कार्रवाई के द्वारा हो। महाराणा प्रताप की धरती वीरता की प्रतीक है, धीरता की प्रतीक है, शूरवीरता की प्रतीक है, पराक्रम की प्रतीक है, संकल्प की प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। और इस धरती की माटी में इतनी बड़ी ताकत है, मुझे ज्ञात है तेरापन समाज से ही एक दो व्यक्ति ऐसे हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिन्होंने कभी बातचीत चलते में उन्होंने अपनी ये बात कही है जो हमारे दिल को गहरी छुई है कि वर्ष में एक बार जिस तरह से दूर प्रदेशों में रहने वाले हम राजस्थान की धरती में अपने देवी देवताओं की फेरी लगाने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह कुछ विरले लोग ऐसे भी हैं जो चित्तौड़गढ़ जाते हैं वर्ष में एक बार, जिनका संकल्प है, और हल्दी घाटी के मैदान से वो सौंधी रेत लेते हैं, अपने ललाट पे लगाते हैं और उस रज को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो जिस माटी में इतनी ओजस्विता हो, इतनी तेजस्विता हो, जो माटी अपने आप में तिलक हो, उस क्षेत्र में जब किसी आचार्य का पदार्पण हो तो उस क्षेत्र के लोगों से कुछ विशेष अपेक्षा की जाती है और वो विशेष अपेक्षा कुछ विशेष संकल्पों की होती है और उन विशेष संकल्पों में अपने समाज की विसंगतियों को किसी काली गुफा में बंद करके अगर उसकी चाबी प्रतीक के रूप में बता दी जाती कि अब विसंगतियां समाज की कहीं नहीं दिखेगी, अब नफरत की आवाज जो कोई मंडल अपनी पुस्तक के माध्यम से आरोप लगा करके उठा रहा है उसको भी वैचारिक या वैधानिक सही रूप से जवाब दिया जाएगा। चित्तौड़ की धरती से तो यह अपेक्षा थी, लेकिन अभिनंदन स्वागत की भी अपनी रस्में होती है और उन रस्मों को नगर प्रमुख जी ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ निभाया है। हम उनकी भावना का तो निश्चित रूप से अभिनंदन करेंगे, लेकिन तेरापन समाज के जो मान्य श्रावक हैं,
जो धर्म संघ की रीति नीति को भी जानते हैं, उनसे कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर बनेगा कि क्या अभिनंदन एक चाबी के द्वारा 1 किलो 940 ग्राम, चाहे वो चांदी की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे किसी भी धातु की क्यों ना हो, क्या उसी से किया जाना चाहिए था? द्वार बनते अच्छी बात थी, नवकार मंत्र की ध्वनि और शंखनाद के साथ बड़ी सादगी के साथ नगर प्रवेश होता, कोविड के प्रोटोकॉल का पूरा पालन होता। एक गलती न जाने कितने लोगों की जान पर श्यामत ला सकती है। प्रशासन के नियमों को कतई अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए, हो सकता है अनदेखी नहीं भी हुई हो, लेकिन न्यूज मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो फोटोज आ रही है, उसमें जिस तरह से लोग एकदम पास पास चल रहे हैं, वहां पर फिर डर लगना स्वाभाविक होता है। एक व्हाट्सएप का मैसेज आया था कि इस चाबी के लिए 2 मुनियों की भी प्रेरणा रही है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि व्हाट्सएप पर कई बार जल्दबाजी में मैसेज लोग दे देते हैं और कई बार विषय वस्तु को समझे बिना दे देते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर आगम के जानकार लोग ये कहते हैं कि फिर यह संत के लिए तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर नहीं हुआ तो फिर कोई सवाल ही नहीं बनता, अगर हुआ है तो बहुत बड़ा अपराध है, और फिर ये आचार्य जी के दायित्व में आता है कि किस तरह का प्रायश्चित दंड स्वरूप उस विधान के अंतर्गत वो प्रदान करते हैं। मर्यादा गरिमा, चाहे कितना ही बड़ा उत्सव क्यों ना हो, उस परिपाटी के अंतर्गत अगर वो उत्सव होता है तो सादगी भी नजरों को बहुत भाती है, और अन्यथा अगर कुछ नगारे भी बजते हैं, कुछ नृत्य भी होते हैं, कुछ दुदुम्बियां भी बजती है, तब भी वो परिपाटी और मर्यादा को अखरती है। फैसला सबको लेना है, और जिनको लेना है, जो कि सुप्रीमो हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में विशेष रूप से बात आती है, लेकिन अगर आगम की किताब, आगम के प्रश्न जो कहते हैं उनसे बात कुछ अलग दिखती है, तो फिर लोगों के मन में सवाल उठने स्वाभाविक होते हैं, और उन्हीं सवालों को क्षमा याचना के साथ मैंने आवाज दी है। मेरे किसी शब्द से, मेरे किसी एहसास से अगर किसी के मन को तकलीफ हुई हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात आपसे पुनः निवेदन करता चलो, औपचारिकताएं रस्मों में बंधेगी तो ये सुना है हमने और रस्में हमने पहले भी देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन औपचारिकताओं की रस्मों में मर्यादा की परिपाटी की लीक शायद उतनी हटी नहीं है, और जब जब हटी भी है तब तब लोगों ने अपनी बात कही है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अनोप मंडल की जगत हितकारिणी पुस्तक का जो विवाद सनातन संस्कृति और जैन समाज पर जिस तरह से
चर्चा में आया है उसे गंभीरता से लेना सनातन संस्कृति और जैन समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी दायित्व है, संत आचार्यों का भी दायित्व है और इन समाजों से जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं, राजनीति में है चाहे सभा संस्थाओं में है, उनका और विशेष दायित्व है। तो कृपया करके उस माहौल पर भी अपनी नजर रखिए और समाज की तरफ से क्या संदेश जाना चाहिए, क्या प्रतिउत्तर में जवाब जाना चाहिए, इसके लिए भी सजग रहिए, ये मेरा निवेदन है। तो व्यूअर्स बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।